ओके, सो सल्फेट्स इन शैम्पूज, स्पेशली इन ओरिफ्लेम शैम्पूज के बारे में क्वेरी आई थी, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स जो कि अवेयर होते हैं, जो कि इंग्रेडिएंट बेस्ड प्रोडक्ट्स लेते हैं, वही लोग कॉन्शियस होते हैं कि प्रोडक्ट्स पैराबेन फ्री हों, सिलिकॉन फ्री हों या सल्फेट फ्री हों। अब मैं आपको ये एक प्रॉपर रिसर्च स्टडी बताती हूँ उर्दू में ट्रांसलेट करके, सो दैट यू नो व्हाट आई एम क्लेमिंग। इसको आपने कहाँ फाइंड आउट करना है, एंड आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कस्टमर को गाइड कर सकें। सल्फेट्स केमिकल की ऐसी क्लास होती है जो कि क्लींजिंग या फोमिंग के तौर पे यूज़ होती है। बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जैसे टूथपेस्ट एंड शैम्पू हैं, उसमें सल्फेट्स होते हैं। इसका फोम यानी कि झाग जैसा टेक्सचर होता है, ताकि जो भी प्रोडक्ट पानी के साथ मिक्स हो वो झाग ज़्यादा बनाए। जब नॉर्मल क्वान्टिटीज़ में सल्फेट यूज़ किए जाते हैं तो जनरली ये सेफ होते हैं। कुछ लोग बहरहाल सल्फेट्स मिक्स प्रोडक्ट से थोड़ा सेंसिटिव हो सकते हैं, उनको चाहिए इसको अवॉइड करें। सल्फेट्स क्या होते हैं? बेसिकली वर्ड है सर्फेक्टेंट्स, सर्फ एक वर्ड होता है, एक्टेंट्स। इस तरह के सरफेस टेंशन जो लिक्विड की होती है उसको ये रिड्यूस करते हैं, ताकि वो लिक्विड वाटर के साथ ईजीली मिक्स हो जाए। लिक्विड क्या होता है, यही आपका शैम्पू आप ले सकते हैं, और झाग ज़्यादा बेहतर बने। फोमिंग एक्शन की वजह से आप समझ सकते हैं कि शैम्पू ज़्यादा झाग बनाता है, तो जनरली हमारी अच्छी फीलिंग आती है। आप ये भी देखेगा, कुछ शावर जेल्स होते हैं जो कि क्रीम शावर जेल्स होते हैं, झाग नहीं बनता तो लोगों को वो पसंद नहीं आता। इसी तरह एक दो क्लींज़र होते हैं जो कि क्रीमी क्लींज़र होते हैं, जिनमें टोनर मिक्स होता है, वो भी लोगों को अमूमन पसंद नहीं आता। जनरली हमारा यही ख्याल होता है, साइकी यही है, जब तक झाग नहीं बनेगी ऑयल एंड डर्ट रिमूव नहीं होगा, और सल्फेट्स इसी झाग को बनाने में मदद देते हैं। अच्छा, अब वही मेन बात आती है कि क्या सल्फेट डेंजरस हैं? हैं तो किस हद तक। नंबर वन ये कि सल्फेट जो हैं वो क्लीनिंग करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अच्छी क्लीनिंग करते हैं, इस हद तक कि स्किन का जो नेचुरल ऑयल और डर्ट रिमूव करने के बाद वो उसका नेचुरल मॉइस्चर भी एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। एंड आपको पता है कि थोड़ा सा मॉइस्चर सर की जिल्द में रहना ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होती है, हमें ख़ारिश, इचीनेस होती है, स्केली स्किन हो सकती है, जिसकी वजह से इरिटेशन होती है। इसके अलावा यह है कि आँख में चले जाए तो आँख आई इरिटेशन हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकती है किसी हद तक, एंड जनरल एक टॉक्सिक चीज़ सारी बातें केमिकल है वो सूरत में, कि अगर कोई बंदा सल्फेट मिक्स्ड वाटर या कुछ पी ले या वो मुंह में चला जाए नहाते धोते वक्त। ठीक है, दिस इज़ इट। हाउ एवर एक रिसर्च स्टडी आई थी कि ये मतलब लोगों का ख्याल था कि कैंसर कॉजिंग है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम मर्क्यूरी एंड लेड बेस्ड प्रोडक्ट्स या लिपस्टिक की बात करते हैं, यस दोज आर कैंसर कॉजिंग, बट लोगों को होता है कि वो जनरल टर्मिनोलॉजीज हर जगह लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आयुर्वेदिक, हर्बल, हकीमी, जड़ी बूटी, नेचुरल, ऑर्गेनिक, ये सारे वर्ड्स एक ही उसमें लपेटे में लिए जाते हैं, जबकि इनके अलग अलग तशखीस है, अलग अलग डेफिनेशंस हैं, थोड़ा अलग अलग काम है। तो इसी तरह कैंसर कॉजिंग हर चीज़, हर टॉक्सिक चीज़ कैंसर कॉजिंग नहीं होती। जनरली लोगों को होता है कि टॉक्सिक का वर्ड सुनते हैं, उन्हें लगता है कि कैंसर फौरन के फौरन हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात सल्फेट से रिलेटेड नहीं है। सोडियम लॉरायल सल्फेट या आपको ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स में भी मिलेगा, इसमें कुछ माइनर रिस्क होते हैं जो कि मैं बता चुकी हूँ, आई एंड स्किन इरिटेशन, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई ऑथेंटिक रिसर्च स्टडी में शो नहीं हुआ है। अच्छा, सल्फेट कौन से लोगों को अवॉइड करना चाहिए? ऐसे लोग जिनके ग्रीसी हेयर या डेंड्रफ हो, वो नोटिस करते हैं कि सल्फेट्स इनके बालों को बहुत अच्छा क्लीन करता है। अलबत्ता वो लोग जिनकी सेंसिटिव स्किन है या कोई मखसूस स्किन कंडीशन है, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा खुजली होती है, कुछ लोगों के अगर लाइस का इशू है, अमूमन बच्चों को होता है, हर बच्चों को सल्फेट वाले देने ही नहीं चाहिए, मगर अगर किसी एडल्ट को भी है ये इशू और वो खुजा खुजा के उसकी जगह पर रैशेज हो गए हैं या हल्की सी भी ब्लीडिंग हो गई, कोई वूंड हो गया सर पे, तो वो सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें, सल्फेट वाले ना यूज़ करें। एक्जिमा एंड सोरियासिस जो होती है, वो जो वाइट एंड वाइट पैचेस हो जाते हैं, वो वाले लोग भी सल्फेट फ्री शैम्पूज ही यूज़ करें। जिनके ड्राई और फ्रिजी हेयर हैं वो भी सल्फेट्स अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन मॉइस्चर को हटाएगा तो आपकी हो सकता है ड्राइनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाए। पीपल जिनके डाइड या केमिकली ऑल्टर्ड हेयर होते हैं, यही आपने रीबॉन्डिंग कराई है, हेयर डाई कराए हैं, स्ट्रीकिंग, ब्लीचिंग कुछ भी कराई है, दे मे वॉन्ट टू अवॉइड सल्फेट्स, क्योंकि
ये प्रोसेसेस जो हैं डैमेज करते हैं हेयर को, ठीक है। हाँ, हेयर डाई भी जल्दी उतरेगा अगर आप सल्फेट वाले शैम्पूस लगाएंगे। सल्फेट फ्री शैम्पूस के बारे में अब आखिर में लिखा है कि ये शुरू में डिफरेंट फील करेंगे, क्यों? क्योंकि अगेन इनमें झाग नहीं बनेगा, थोड़े क्रीमी होंगे और आपको ऐसा फील होगा कि स्किन क्लीन नहीं भी, क्योंकि हमें आदत है बचपन से ही कि झाग वाली चीज़ें सोप के तौर पे भी, फेस वॉश के तौर पे भी, शैम्पू के तौर पे यूज़ करें। अदरवाइज़ दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट सल्फेट शैम्पूज विद सल्फेट्स एंड सल्फेट फ्री शैम्पूज एंड नथिंग मोर टू इट। सो समरी के तौर पे सिर्फ ये कह सकते हैं कि सल्फेट्स जो है वो डर्ट एंड ऑयल को रिमूव करते हैं, सेंसिटिव हेयर एंड स्किन वाले लोग जो हैं उनको माइल्ड सा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जिसमें ड्राइनेस या हेयर्स का ब्रिटल हो जाना और रेडनेस हो सकती है। जिनको ये प्रॉब्लम है वाकई में ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम इट, वो सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। लेकिन जो कि एक फैड बन चुका है, हर कोई सल्फेट फ्री मांग रहा है, तो आप अपने कस्टमर को बोल दें कि अगर आपको वाकई में कोई इशू नहीं है तो इट्स ओके, आप ऐसे शैम्पूज़ यूज़ कर सकती हैं जिनमें सल्फेट है। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, सीनियर गोल डायरेक्टर नौशीन इस्लाम।